सो हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक काफी टफ एग्जाम, एनडीए जैसा एग्जाम पूरा क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू से लेके फाइनल राउंड तक उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एनडीए। तो काफी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो इसी का आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ यार। तो ओवर टू यू शिवांग, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो, माय सेल्फ शिवांग अग्निहोत्री। मैं सत्यांश का क्लासमेट था आरएलबी में ही, और रिसेंटली मैंने एनडीए क्लियर किया है। तो यार कुछ काफी बेसिक चीजें पूछेंगे, काफी कॉमन क्वेश्चन। यार तुमने ये जो एनडीए का मन बनाया कि हाँ एनडीए की प्रिपरेशन करनी, ये किस क्लास में बना था? 11th में बन गया था, ये 12th में बना था, ये और बाद में बना था? जो एनडीए करने का मन होता है, देखो, हर बच्चे का सपना होता है देश के लिए कुछ करने का, तो फीलिंग तो बचपन से रहती है। फिर 11th क्लास में मेरा एक क्लासमेट था अंशित, जो कि एनडीए की तैयारी कर रहा था। उससे भी काफी मोटिवेशन आई कि मुझे भी एनडीए में जाना है। सो 11th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, मन बन गया था कि एनडीए के लिए जाना है मुझे। तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की थी तुमने, थोड़ा डिस्क्राइब करो। एनडीए के जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिटन एग्जाम होता है, उसकी बेसिक प्रिपरेशन कुछ एक्स्ट्रा नहीं गए। हमें जो 11th 12th में अपना सिलेबस है, मैथ्स वही आती है, तो काफी ज्यादा जो प्रिपरेशन है वो डेली न्यूज देखना और करंट इवेंट से अवेयर रहने से ही हो जाती है। बाकी अपने 11th 12th के सिलेबस को अगर सही से करते चले तो डिफिकल्ट नहीं रहता एनडीए। तो मतलब मैथ्स के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट आते हैं उसको कैसे मैनेज किया तुमने? क्योंकि हम लोग तो पीसीएम लेके आए होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स मैनेज करना, जैसे और न्यूज़पेपर कौन-कौन से तुमने रीड किए थे? मेरा क्या था, मैं कोई न्यूज़पेपर ऐसे नहीं, बट ऑनलाइन न्यूज़ देख लेता था। इन शॉर्ट ऐप है, उसको यूज़ कर लेता था। जो बेसिक हेडलाइंस थी वो पता रहती थी, बाकी जनरल नॉलेज जो उसमें पूछी जाती है वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ करेंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता करनी है। ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे डिजीज़ के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अलग अलग टाइप की जो गवर्नमेंट है, जो सब क्लास 10th में सब हमने चीज़ें पढ़ी हैं, सिविक्स में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, वही सब ऐसी चीजें जो जनरल नॉलेज में पूछी जाती हैं। तो अगर उस क्लास में सही से पढ़ा है और अगर टच बना के रखते हैं तो फिर वो काफी इजी रहता है हमारे लिए। मतलब अगर एनडीए में जाना है तो थोड़ा 9th 10th को सीरियसली थोड़ा सा लेना है, थोड़ा पहले हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में। नाइन टेंथ को अगर अच्छे से पढ़ा है, अगर नंबर लाने के लिए भी अच्छे से पढ़ा है, तो वो चीजें हमेशा ध्यान में रहती हैं। तो इतना कुछ टफ नहीं है, क्विक रिवीजन भी अगर उसका एक बार हो जाता है तो चीजें अपने आप ध्यान में आ जाती हैं और उसी से पूछा जाता है। रिटन एनडीए का काफी इजी पार्ट होता है। और यार जो हमने एनडीए जिसके लिए जाना जाता है, वो उसका 5 दिन का एसएसबी का जो ट्रेनिंग चलता है, इंटरव्यू रहता है, काफी टफ रहता है यार। काफी ज्यादा उसके बारे में सुना है, मतलब एकदम आईएएस लेवल का मेंटल ट्रेनिंग रहता है, इसलिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो वो पूरा यार डिस्क्राइब करो स्टार्ट से लेके एंड तक कि क्या जर्नी रही, कहाँ तुमने ट्रेवल किया, कहाँ कहाँ कैसे तुमने 5 दिन वहां अपने स्पेंड किए। एसएसवी के पूरा बताने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, पूरी जितने भी अब तक मैंने एग्जाम्स दिए, मैंने कोई भी तैयारी की है, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो लगा वो एसएसबी का ये प्रोसेस था। सबसे ज्यादा मजा मुझे एसएसबी में ही आया। स्टार्ट मेरी एसएसबी थी देहरादून, वैसे मैं रहता हरदोई में हूँ, सो हमने देहरादून तक ट्रेवल किया था। और पहले दिन जो हम लोग वहाँ पहुंचे तो डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी एग्जाम डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तुम जो हो वो बता रहे हो कि तुम हो कि नहीं, तो इसकी चेकिंग वहाँ काफी ज्यादा होती है। कोविड रिस्ट्रिक्शन से तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी जरूरी थी और वो सब टेस्ट भी हुए थे वहाँ पे। उसके बाद जो मेन टेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ था OIR से। टेस्ट का नाम होता है ऑफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। इसमें वो हमारी इंटेलिजेंस का टेस्ट लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। 40 क्वेश्चंस के 2 सेट थे और 16 मिनट्स में करने थे, एक सेट को 16 मिनट में करना था। सो इजी थे और क्विक थिंकिंग पे बेस्ड थे। सेकेंड टेस्ट जो था वो किस टाइप के एक क्वेश्चन आए ग्रुप थे एक्टिविटी उसमें? थी। किस क्वेश्चंस, जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, मान लो कोई इडियम है, कोई फ्रेज है, उसका मीनिंग बताना है। ऑप्शंस अच्छा। दे दिए जाएंगे, एमसीक्यू पेपर है, आखिरी में OMR शीट भी भरनी होती है। सो लॉजिकल पैटर्न सॉल्विंग के 4 अलग अलग फिगर दिए हैं, नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, या फिर ऑड वन आउट फिगर करना। इसी तरीके से लॉजिकल, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे। और
जैसे फोर वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उसमें तुम्हें फिगर आउट करना है कि किसका मीनिंग डिफरेंट है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। या फिर एक स्टेटमेंट दिया गया, अब तुम्हें बताना है कि वो ट्रू है, फॉल्स है, एब्जर्ड है कि प्रोबेबल है, इस तरीके के क्वेश्चंस। तुम्हें क्विक जल्दी सोचो, रीड करो, तुम्हारे दिमाग में जो आए वो तुम लगा दो, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और सेकंड जो टेस्ट हुआ था उसका नाम था पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। काफी इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है। 30 सबसे पहले हॉल में बैठाला जाएगा सबको, एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकेंड्स के लिए। अब तुम्हें उस पिक्चर को देखना है, समझना है उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। फिर अराउंड 4 मिनट्स का टाइम मिलता है जिसमें तुम्हें एक स्टोरी लिखनी होती है। तो जो पिक्चर देख के तुम्हारे दिमाग में जो भी आया तुम्हें उस पर एक स्टोरी लिखनी है। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है, तुम्हें एक ग्रुप में बैठा जाएगा अराउंड 15 के, तुम्हें अपनी स्टोरी ग्रुप को सुनानी है और फिर उस पर डिस्कशन होता है। ग्रुप मेंबर्स आपस में डिस्कस करेंगे और एक फाइनल स्टोरी पे आएंगे। अब ग्रुप डिस्कशन का टाइम डिपेंड करता है ऑफिसर्स पे, अगर उन्हें लग रहा है कि ग्रुप कॉमन स्टोरी पे जल्दी आ रहा है तो वो छोटा डिस्कशन रखेंगे। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ग्रुप में, कोई मल्टीपल स्टोरीज पे आ गए लोग, तब वो अराउंड 10 मिनट्स का टाइम दे देते हैं। मेरा ग्रुप डिस्कशन 3 मिनट चला था, सिर्फ 15 लोग बोलने वाले हैं और 3 मिनट का डिस्कशन था। अच्छा, सो तो इसका जैसे ये स्टोरी का जो ना मैंने भी सुना है, जो मैंने कर्नल से एक बात की थी तो वो बताते हैं कि एक पॉजिटिव स्टोरी होती है, एक नेगेटिव स्टोरी होती है। अगर तुमने पॉजिटिव लिखी है तो वो तुम्हें आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन ये एनडीए का मतलब उन लोग का एक टेस्ट होता है, एक तरीका होता है कि अगर तुमने नेगेटिव स्टोरी लिखी है तो वो तुमको शायद बाहर निकाल दे वहां से। अब देखो एक चीज होती है, जितना भी तुम लिख रहे हो वो उससे तुम्हारी पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते तुमने स्टोरी में कितनी अच्छी इंग्लिश या कितनी अच्छी हिंदी यूज की है, वो उसके बेसिस पे तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर तुमने अपनी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में लिखा कि वो हार्ड वर्किंग है, तो वो ये सोचेंगे कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है तभी तुम लिख रहे हो। अगर तुम ऐसे लिख दोगे कि उसके अंदर एंगर इश्यूज हैं या फिर कोई क्राइम कर दिया उसने, तो वो ये सोचेंगे तुमने ऐसा कभी किया होगा इस वजह से वो स्टोरी तुम्हारे दिमाग में आई। सो वो इसे उसे तुम्हारी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ रियलिस्टिक और पॉजिटिव, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव के चक्कर में एनजीओ और बहुत अनरियलिस्टिक चले जाते हैं, बहुत ही अच्छे, तो वो भी एक निगेटिव ही पॉइंट हो गया। तो तुम्हारी पर्सनालिटी के रियलिस्टिक जो तुमने स्टोरी लिखी है उसे तुम्हारी लाइफ से कंपेयर करेंगे, क्या वो पॉसिबल है, तो वो क्या एक गुड ट्रेट है तुम्हारी लाइफ का, तो ये देखते हैं वो उसमें। इसमें होता है ये जो पहले दिन का पूरा प्रोसेस है, ये जो 2 टेस्ट हुए ये पहले दिन होते हैं, इसे कहा जाता है स्क्रीनिंग। इसमें अराउंड 60 to 70 लोग ही बचते हैं अगर ज्यादा लोग आए हुए हैं। तो मेरे में क्या था, 217 आए थे पहले, बाकी सिर्फ 70 बचे थे, बाकी को बाहर कर दिया गया था। अब इसके बाद जितने भी बाहर निकलेंगे वो लास्ट डे ही बाहर निकलेंगे, उसके बीच में कोई बाहर नहीं जाता, या तो फर्स्ट डे या लास्ट डे। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है सर्वाइव करने का, अगर क्वालिफाई करना है तो फर्स्ट डे निकालना जरूरी है, फिर उसके बाद तुम 4 दिन तक थोड़ा सा सांस ले सकते हो। तो ये जो बीच के दिन होते हैं इसमें क्या क्या कराते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ डे में? सेकेंड में जो टास्क है वो अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं, सब जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट का अलग है, ग्रुप टास्क अलग है, फिर इंटरव्यू अलग है, ये 3 अलग अलग तरीके टास्क होते हैं। तो सबसे पहले तो जब ये फर्स्ट डे अगर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद फिर से खूब सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो पहले से ही आपको एक मेल आता है एसएसबी की तरफ से कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, उन्हें वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जो मेन एसएसबी का प्रोसेस है वो सेकेंड डे से ही स्टार्ट होता है। मेरे में क्या था, सेकेंड डे वाला फर्स्ट डे की शाम को रात में करा लिया था उन्होंने, सेकेंड डे मतलब वेट नहीं किया था उन्होंने कि टाइम है तो अभी करा लेते हैं। वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, और वैसे तो किस काफी टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और पूछते हैं सबसे वो? ज्यादा थकाने वाला भी यही होता है। वो अच्छा। अभी बता रहा, उसमें साइकोलॉजिकल में 4 टेस्ट आते हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, पूरा रिटन टेस्ट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक भी बार तुम्हें देखता नहीं है। साइकोलॉजिस्ट अच्छा को तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो तुम्हें जज तुम्हारे रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर करता है कि तुमने लिखा क्या है। तो उसमें सबसे पहला होता है टैट, इसमें भी तुम्हें पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर स्टोरी लिखनी है। 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर आती है, 4 मिनट्स में स्टोरी, तुरंत ही नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए, फिर 4 मिनट्स में स्टोरी, ऐसे 12 पिक्चर दिखाते हैं, 12 स्टोरीज लिखनी है।
लास्ट पिक्चर एक ब्लैंक पिक्चर होती है। इसके लिए एडवाइजेबल यही होता है कि अपनी स्टोरी पहले से तैयार करके चले जाओ, क्योंकि उसमें तुम्हें अपने अच्छा लाइफ से रिलेटेड कोई स्टोरी लिखनी होती है, हम्म, लाइफ में कुछ पहले हो रखा है, कोई एक्सपीरियंस, उस पे बेस्ड तुम्हें स्टोरी लिखनी है। और नेक्स्ट इसमें भी वही जो पीपीडीटी में स्टोरी का कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसने तुम्हें देखा नहीं, उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, वो तुम्हें जज करेगा तुम्हारी स्टोरी के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी वही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ही मैटर करते हैं। कि जैसे मेरा कहता, तो अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे, ऐसी स्टोरीज भी लिखी थी, मतलब मैंने अपने छुट्टी का टाइम है, मैंने अपने दोस्तों को घर पे बुलाया, हम लोगों ने खूब खूब टाइम पास किया, तो ये भी एक स्टोरी हो सकती है जो कि पॉजिटिव ही मानी जाएगी कि हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग वही लगता है, वैट। तुम्हें एक वर्ड दिखाया जाता है, इसका वो एक वर्ड दिखाया जाएगा, तुम्हें उस वर्ड पे 15 सेकेंड्स के अंदर एक सेंटेंस लिखना है। ऐसे 60 वर्ड्स आते हैं, यू हैव 15 सेकेंड्स टू राइट अ सेंटेंस। अब इसमें भी वही है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो तुम्हें इसी के बेसिस पर जज करेगा। तो सेंटेंसेस भी मीनिंगफुल होने चाहिए, और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाएं, तुम्हें इंटेलिजेंस को दिखाएं कि तो कोई फैक्ट लिख दिया, साइंटिफिक कोई बात कर दी। तो इस तरीके की चीजें जब आती हैं तो फिर एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, इसके पास नॉलेज अच्छी है, या फिर कोई वैल्यू के बारे में लिख रहे हो कि ये वैल्यू से हमें ये फायदा होता है, तो वो उसे लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक ये वैल्यू है। तो जैसा मैंने तैयारी करके गया था, उसमें ये बात एक सर ने मुझे बताई थी कि कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये वैल्यू होनी चाहिए, लाइक शुड या वुड का यूज नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि अच्छा जब इनका यूज करते तो ये दिखाता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है और हमें ये चाहिए। इसके बाद वैट के बाद जो हमारा टेस्ट था उसका नाम था SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं, 60 सिचुएशंस होती हैं, और हमारे पास 30 मिनट्स है सबका, हम उसमें क्या रिएक्ट करेंगे ये बताने के लिए। जैसे मान लो तुम घर पे अकेले हो, लाइट चली गई, तो तुम उसमें क्या करोगे? तुम घर पे अकेले, तुम और तुम्हारे भाई घर पे अकेले हो, तुम्हारे भाई के तुमने देखा कि तुम्हारे भाई के पास में सांप आ गया है, अब तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे? तुम रात में अकेले जा रहे थे, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, अब तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इस तरीके की सिचुएशंस देते हैं, 60 सिचुएशंस है, 30 मिनट्स है सबके, तुम्हें रिस्पॉन्स देने की, तुम उसमें क्या करोगे? अब इसमें टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है कि हम एक का सोच रहे हैं क्या करना है, तब तक टाइम खत्म हो गया। तो इसमें पहले से नहीं बताया जाता कि पर सिचुएशन, जैसे उसमें क्या था, वर्ड है 15 सेकेंड्स पे स्क्रीन पे रहता था, उसके बाद अपने आप नेक्स्ट वर्ड आ जाता था। इसमें सारी सिचुएशंस की लिस्ट एक बार में दे दी जाती है, तुम्हें खुद अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। काफी बढ़िया एप्टीट्यूड और थिंकिंग स्किल होनी चाहिए इसका मतलब, और वोकैब पे भी काफी ध्यान देना होता है। SSB का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कहीं पे भी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं करते, ये तुम्हारा पूरा इंटेलेक्चुअल, तुम्हारी वैल्यूज का देखते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखते हैं तुम्हारे अंदर है कि नहीं। क्योंकि फिजिकल तो वो तुम्हें खुद भी ट्रेन कर सकते हैं, पर तुम्हें वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि तुम एक ऑफिसर बन सकते हो। और ये जो इंटरव्यू होता है इसमें वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोग होते हैं? इंटरव्यू एक वन ऑन वन इंटरेक्शन है, एक ऑफिसर अच्छा तुम्हारे सामने बैठा है, तुम रूम में जाओगे, तुम्हें सीट ऑफर करेगा आराम से, काफी रिलैक्स एक कन्वर्सेशन रहता है, वो तुमसे तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछेगा। तुम उससे पहले तुमसे एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म भरा जाता है, उसमें तुम्हें अपने बारे में बताना है कि हमने यहाँ से पढ़ाई की, ये अचीवमेंट्स है मेरी, ये सब तुम्हें अपने बारे में बताना होता है। अब वो उससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमने कहाँ कहाँ रहते हो, अपनी जगह के बारे में थोड़ा बताओ, फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, तुमने कौन कौन से स्पोर्ट्स अगर खेले तो उसके अचीवमेंट्स, उन सब के बारे में, तो बेसिकली लाइफ के बारे में पूछते हैं कि तुमने जो अपने बारे में बताया है वो सही है कि नहीं। पूरा जो इंटरव्यू एक रिलैक्स कन्वर्सेशन रहता है तुम्हारा ऑफिसर के साथ। कितने ड्यूरेशन का रहता है लगभग इंटरव्यू? अब वो डिपेंड कर सकता है, अगर जैसे तुमने जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, ऑफिसर को तुमने बात करने में जल्दी ही पता चल गया कि तुमने सब सच लिखा है, तो इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर ऑफिसर को लगता है कि तुम उससे कोई बात छुपा रहे हो, तो उस पर और ज्यादा डीपली क्वेश्चन करेगा तुम्हें, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर सकता है। अराउंड 30 मिनट से 1 आवर के बीच में लगभग सारे इंटरव्यू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा अराउंड 45 मिनट का था। तो कुछ और जो अब इससे पहले हम साइकोलॉजिकल की जो बात कर रहे थे, उसमें एक आखिरी टेस्ट होता है,
सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसमें हाँ मतलब बताना होता तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसमें भी काफी मजा आता है, तुम अपनी अच्छाई कर सकते हो। बट ऐसी क्वालिटीज लिखनी होती जो तुम वहां उन्हें दिखा भी सको, मतलब तुम जो स्टोरीज लिखी है या फिर तुमने जो वैट किया था उसमें तुम्हारी क्वालिटीज सामने आई हो, या फिर इंटरव्यू में तुम्हें बात करने में क्वालिटीज का भी दिख जाए उन्हें, या फिर जितने भी टास्क होते हैं उनमें अगर वो क्वालिटी तुम्हारी दिख जाती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो ये जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं वो सिलेबस रिलेटेड पूछते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं? और हमें क्या सारे क्वेश्चन आंसर करने होते हैं या अगर हमें नहीं आ रहे तो डायरेक्ट नो बोल दें या उसको घुमाना फिराना होता है? देखो वो तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि जिसका आंसर तुम्हें ना पता हो। अब तुमसे पूछे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं, कौन क्या करता है, अब इसका आंसर तो सबको पता ही होता है, मैंने ये गेम्स खेले, मैं ये जीता, सब कुछ तुम्हारे बारे में है। तो उनसे कोई मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं किए जाते, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं जिसका तुम्हें आंसर ना पता हो। एक बीच में ऐसा पॉइंट आता है जिसमें तुमने जो ब्रांच चूज की है, जैसे मैंने एयरफोर्स चूज की थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि एयरफोर्स के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो अच्छा सकते हैं जो तुम्हें ना पता हो, तो उसमें घुमाने की जरूरत नहीं है, तो उसे डायरेक्टली कह दो आई एम नॉट श्योर, मुझे इसका आंसर क्लियरली नहीं पता है। ओके अगर थोड़ा भी पता है तो ट्राई जरूर करो, बट घुमाने की कोशिश नहीं, उन्हें साफ साफ बता दो सर मुझे नहीं आता ये चीज, मुझे नहीं कन्फर्म, बट डायरेक्टली यानी कि सर आई डोंट नो की जगह आई एम नॉट श्योर थोड़ा पोलाइटली कर सकते हैं उसे, और जो ये रहता है फाइनल वहां। इंटरव्यू के बाद जो मेडिकल वाला स्टेप रहता है उसमें क्या क्या डिमांड रहती है इन लोगों की, मतलब हाइट वेट वगैरह ये सब? हाँ, वेट का देखो उनका कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, वो हाइट आगे का खुद भी रहता है ट्रेन कि कर उनके, सकते हाँ हैं? हाइट का रहता है शायद 162 या फिर 165 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, हाइट का रहता है, बट वेट का वो भी हाइट मेजर इंपॉर्टेंस उसमें आती है एयरफोर्स में, क्योंकि कॉकपिट के हिसाब से होनी चाहिए, तो उसमें तो अच्छा अगर तुम्हारी हाइट 2 मीटर से ज्यादा है तो तब भी कुछ इश्यू आ जाता है। तो एक तो वो रहता है, वेट का क्या रहता है, अगर तुम्हारा वेट उनकी लिस्ट से थोड़ा सा ज्यादा है तो तुम्हारे ब्लड तुम्हारे टेस्ट वो थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि वो फिर देखते हैं तुम्हें वेट की वजह से कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कोलेस्ट्रॉल इन सब की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो टेस्ट करते हैं, बाकी वेट खुद में कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर BMI के ही ज्यादा आगे जा रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो 25 से ऊपर जा रही है अगर तुम्हारी बॉडी मास इंडेक्स तब दिक्कत आती है, और नहीं तो फिर वेट की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। हाँ तो बेसिकली ये था तुम्हारा पूरा जर्नी जो रहा है एनडीए का, दो दो ढाई साल का। तो आगे आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करें और कैसे अपने आप को रेडी करें? एनडीए की प्रिपरेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं है, अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय करो, 11th 12th में क्लास में ध्यान से पढ़ो, एंजॉय करो उस टाइम को, उसके बाद अपने प्रिपरेशन ऐसी कुछ अच्छी नहीं कर सकते, अपने अवेयर रहो सराउंडिंग्स के बारे में, चीजें रीड करो, नॉवेल्स रीड करो, वो तुम्हारे ये वैट में हेल्प करेगा, रिटेन टेस्ट में भी हेल्प करता है क्योंकि उसमें इंग्लिश का सेक्शन होता है। बाकी जब SSB के लिए जाओ तो वहाँ एक वेल मैनर्ड पर्सन की तरह बिहेव करो, जेंटलमैन बिहेवियर जो होता है उसे नॉर्मल अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करो, वही सब है जो SSB में इफेक्ट करेगा। तो यही था। तो थैंक यू शिवांग फॉर कमिंग एंड टेलिंग योर स्टोरी। आई होप यू माय गाइस लाइक्ड प्लेजर। इट एंड डू सब्सक्राइब यार। आगे आने वाले में जेई की भी कुछ स्टोरीज लाएंगे, तब तक के लिए थैंक्स।